370 35 ए के हटने के बाद जम्मू के प्रोग्रेस की बात हुई थी, डेवलपमेंट की बात हुई थी। लगा था कि जम्मू अब प्रगति के राह पर चलेगा, परंतु अगर बात की जाए तो 18 महीने बीत चुके हैं। इस बीच जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे विश्व ने कोविड-19 से भी जूझा। परंतु अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हालात जो हैं वो कुछ विपरीत ही नज़र आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत में जुड़े हैं फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन ललित गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से एक नई पॉलिसी निकाल दी गई है कि पुरानी इंडस्ट्रीज़ जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, तो भाई ये कितना सही फैसला है ललित जी? जिस तरीके से नई पॉलिसी निकाली गई है, डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए थी बट उल्टा जो है पुरानी इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की बात जो है वो कर दी गई है। ऐसा जी, ये जो नोटिफिकेशन निकली है, इस नोटिफिकेशन में जो बेनिफिट के मैक्सिमम बेनिफिट दिया गया वो नई इंडस्ट्री को दिया गया। वेरे पुरानी इंडस्ट्री के लिए जो वर्किंग इंडस्ट्री हैं, वर्किंग के लिए जो एक मेजर इंसेंटिव है जो GST रिइंबर्समेंट का, उसमें पुरानी इंडस्ट्री को बाहर रखा गया है। उनके लिए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में कोई उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है अगर वो करते हैं तो। इससे क्या होगा कि जो नया आएगा उसके साथ हमारा तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली अनहेल्दी कंपटीशन हो गया, हम तो फेस नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा है कि जितने पिछले पैकेज हमारे आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब में एट पार बेनिफिट दिया जाता था, नई को भी दिया जाता था और जो एग्जिस्टिंग विद सब्सटेंशियल एक्सपेंशन दिया जाता था इसका इसमें कोई उन्होंने जो GST रिइंबर्समेंट है, अगर आज हमारे को 36% मिल रही है वैल्यू एडिशन का, उनको 100% मिल रही है ग्रॉस का, तो हम उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाए? हम तो नहीं कर पाएंगे उनके साथ कम्पीट। अल्टीमेटली क्या होगा, जो हम 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और इसमें मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो 4-5 लाख लोगों का है, उनको जो है मेजोरिटी ऑफ द अपने लोकल लोग हैं, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। हम तो बंद कर जाओ, अगर हमारे को नहीं रहेंगी प्रॉफिटेबल रहेंगी, हमें कहाँ से देने हैं पैसे हमने। जी ललित जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो पिछले अगर तकरीबन 2 साल की ही बात करें, जम्मू कश्मीर जो है मुझे लगता है बाकी एरियाज से जो है खासतौर पर वो एक बैकलॉग पे रहा है। अगर हमने देखा यहाँ पर बंद की मार हमने देखी है, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद हमने देखे हैं, कोविड की मार जो है वो भी हमने देखी, बट उसके बावजूद जो है इस तरीके का फैसला लेना इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं हैम्पर करने का एक प्रयास है। क्या लगता है कि सेंटर में बैठी जो सरकार है BJP, उसके तो कुछ और ही सपने थे जम्मू कश्मीर के लिए और अब इस तरीके की? ऐसा जी, जब से UT बनी है उसके बाद पहला जो इंडस्ट्री जो लोकल वर्किंग इंडस्ट्री को झटका लगा टोल टैक्स का, टोल टैक्स रिमूव कर दिया गया। उसके लिए हमको ये प्रॉमिस किया था कि हम अब इसको कंपनसेट करेंगे, आज तक उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। एक यहाँ पे हमारे 400 यूनिट ऐसे काम कर रहे हैं जिनका जो पैकेज ऑफ इंसेंटिव जो चल रहा है एग्जिस्टिंग का, वो आने वाले 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकियों के लिए है वो सारा का सारा पैकेज 2026 में ख़त्म हो जाएगा जो है। तो इसका मतलब हो गया ना कि गवर्नमेंट नहीं चाहती 2026 के बाद हम लोग इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे, क्या होगा, बंद कर देंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर होती है तो उसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि जब इंडस्ट्री चलेगी हम लोगों को अगर एक हमारे पास एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं तो उसके साथ 4 लोग फैमिली के भी जुड़े हैं ना, तो 10 की जगह 40 लोगों का इम्पैक्ट जाएगा। तो हमारी तो ये कोशिश रही है कि गवर्नमेंट से बार बार हमने अपने मेमोरेंडम दिए सबके, भाई आप माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर को यहाँ बचाओ। यहाँ पर कोई GST बनने के बाद तो कोई सोच ही नहीं है हमारी, तो इवन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में क्या है कि वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं। पहले क्या था, हमारा जो हमारे पॉपुलर गवर्नमेंट में डायरेक्ट असेस था ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ, वो हमारी बात सुनते भी थे तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। प्राइस प्रेफरेंस हमारे को मिलता था, परचेज प्रेफरेंस मिलता था, जो हमारा ख़त्म कर दिया, अभी ख़त्म कर दिया गया, जबकि पॉलिसी चल रही है भी उसमें प्राइस प्रेफरेंस का है, पॉलिसी अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, सुपरसीड नहीं हुई है, पर नहीं मानते, नहीं अफसर नहीं मानते, वो कहते नहीं जी हमने तो आपको नहीं, आप अगर हमको इस प्राइस पे दे दोगे, वो भी प्रेफरेंस कोई नहीं है। अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने परचेज किया, PD डिपार्टमेंट ने लोकल यूनिट को, उसका वो सेम रेट पे देने को तैयार था कि जो बाहर से आ रहा है उसको मना कर दिया। पर वही अगर हम बात करें तो जो सेंटर में बैठी सरकार है या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो BJP के नुमाइंदे हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जो है उसे बढ़ाने की बात कर रहे थे, उल्टा एम्प्लॉयमेंट छीन लिया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन जो है उस पर जो है फोकस किया जा रहा है, परंतु जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं उन्हें बंद किया। देखो ऐसा जी, इसके ऊपर आई डोंट नो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे हम तो उस पॉलिसी इनमाल नहीं, हमारी तो हमेशा फोकस रहता है कि जिस तरह भी है इंडस्ट्री को बचाया जाए। इंडस्ट्री को अगर आप इंसेंटिवाइज स्टेट में नहीं करोगे, क्योंकि आज हम फार एंड ऑफ द कंट्री पे बैठे,
एक तरफ पाकिस्तान चाइना बैठा है, हमारे पास मार्केट एसेस तो कोई नहीं है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है, यहाँ से माल बाहर क्यों नहीं भेज सकते कि हमारे को पड़ता नहीं खाता हमको। हमने इसीलिए तो अपना ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमको अगर इनकमिंग रॉ मटेरियल के ऊपर आप फ्रेट सब्सिडी बाय रोड की दे दीजिए और 2% इंसेंटिव दे दीजिए टर्नओवर का, तो हमारी इंडस्ट्री बच जाती है। पर अभी तक वो सारी चीज़ें पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। आज से एक साल हो गया टोल गए हुए, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मटेरियल जो आज छत्तीसगढ़ से सरिया आ रहा है, जम्मू कश्मीर में छत्तीसगढ़ से सरिया, यहाँ वाले जो बना रहे हैं कोई किसी की वो ही नहीं है। गवर्नमेंट सप्लाईज में परचेज की जा रही है ब्रांडेड गुड्स की, जिंदल टाटा सेल, तो लोकल यूनिट जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो क्या पता अफसरों जो ऑफिसर परचेज करते हैं उनका क्या नेक्सस है क्या नहीं, हम उस पर क्या कह सकते हैं। पर बड़ी इसमें क्योंकि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, इसमें जो खासतौर माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। तो उसमें आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्राफ जो है अपनी जाएगा डाउन चला जाएगा। आखिर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्या अपील रहेगी आपकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही साथ अगर ये जो फैसला है आपके हक में नहीं होता है तो आप लोगों के आगे क्या कदम रहेंगे? देखिए हमारी ये तो अपील रहेगी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है इसकी अमेंडमेंट इशू की जाए, इसमें जितने इंसेंटिव हैं सारे एग्जिस्टिंग को भी दीजिए और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, टोल टैक्स की जगह आप हमारे को कंपनसेट जो करना है उसके लिए इमीडिएटली जो नोटिफिकेशन लाइए ताकि हम लोगों को रिलीफ मिल सके। अदरवाइज अगर नहीं मिलेगा तो देखिए क्या है कि जो प्रोटेस्ट करना बंद करना हम उसके हक में नहीं है। हम तो देखो भैया हम सिविलाइज लोग हैं, नहीं होगा फैक्ट्री बंद कर ताले हम चाबी लगा के बैंकों को दे, जिनके बैंकों के पैसे उन बैंकों को दे देंगे, अब तो हम लोग घर बैठ जाएंगे। जो हमारे जो मुलाजिम जो हमारे पास 25-25-30 साल से काम कर रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ देंगे, भाई ठीक है भाई अब हमारे को बारह नहीं काम क्या करें, किसी ने अपनी कब तक कोई अपनी जेब से देखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ये थे हमारे साथ ललित गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जहाँ प्रगति की बात होनी थी, डेवलपमेंट की बात होनी थी, आज उल्टा यहाँ पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।